फिर 1 महीने तक उस खराब नहीं हो सकता, इधर भी देख सकते हैं कन्वेयर वगैरह, और यहाँ से बाहर यहाँ पे इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे है। गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं तनवीर के ब्लॉग्स वीडियो। गाइस आज मैं कंपनी के अंदर में हूँ और कंपनी का लास्ट डे था आज, तो मैं सोचा आज अंदर का वीडियो बना लूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा काम था और ये पैनल का काम था, इससे पूरा कंट्रोल होता है ये कंपनी। तो अभी मैं अंदर का दिखा रहा हूँ क्या प्रोसेस है कंपनी के अंदर, कैसे कैसे अंदर ये काम चलता है। तो यहाँ से एंट्री होंगे अंदर, पहले जब रास्ते में पहले एंट्री होंगे तो पहले ये गेट है जो कि यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, जब तक ये गेट बंद नहीं होगा ये कंपनी चालू नहीं हो सकती, तो इसके लिए ये यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। फिर यहाँ से अंदर जाएंगे, एक भूल भुलैया की तरह बना हुआ है, यहाँ से ये अंदर जाने का रास्ता है बिल्कुल भूल भुलैया की तरह, क्योंकि ये कंपनी के अंदर रेडिएशन निकलता है, तो रेडिएशन बाहर आने की वजह से इसको घुमा फिरा के बनाया गया क्योंकि रेडिएशन बाहर ना जा सके। तो हम आ चुके हैं इस अंदर में, जहाँ पे कोई भी मटेरियल जैसे कोई फल वगैरह सब्जी वगैरह जो भी अंदर आएगा तो यहाँ पे से होकर इसका एक प्रोसेस है, यहाँ से ये गुजरेगा। अगर यहाँ पे जो सब्जी या फूड एक साथ आ गया है वो यहाँ पे फिर 1 महीने तक उस खराब नहीं हो सकता वो। तो अभी दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर से ये जो ये बॉक्स लगा हुआ है, जो ये बॉक्स लगा हुआ है ये बॉक्स में सारा फूड रहेगा, जो भी फल रहेगा आम वगैरह या सब्जी वगैरह इसके अंदर रहेगा। और यहाँ पे एक अंदर एक खाई बनाई गई बहुत ज़्यादा, तो गाइस आपको ये खाई दिख पा रहा होगा, इस खाई में ये बहुत गहरा खाई है, मतलब ऊपर में आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये लगा हुआ कन्वेयर वगैरह लगा हुआ है, ऊपर से भी मटेरियल जैसे ये यहाँ पे लटक के जा रहा है ऐसे बिल्कुल सेम इधर से वो भी जाने वाला है, और जितने मटेरियल आएंगे इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोसेस जो है इसका, इसके अंदर वाटर रहने वाला है, हीट वाटर रहने वाला है। और ये जो लाइन ये अंदर आपको ये लंबा सा दिख रहा होगा, ये पूरा एक पतला पतला पाइप करके बना गया है जिसके जिससे रेडिएशन निकलेगा। ये रेडिएशन इतना हार्ड है, अगर जब ये कंपनी चालू होगी अगर ये ऊपर आ गया, अगर आप यहाँ पे है तो आपका 2 से 3 सेकंड में आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप डेथ हो जाएंगे, इसका इतना ज़्यादा रेडिएशन हाई है। तो यहाँ से ये इसका वायर है, मतलब इसको ऊपर खींचने के लिए ऊपर मोटर वोटर सिस्टम लगाया गया है, तो ये ऊपर से यहाँ से ऊपर आएगा और फिर इधर से सारा प्रोसेस होगा, यहाँ से सब कुछ निकलेगा, फिर यहाँ से एक बार सिर्फ निकलना है। एक बार निकलने के बाद ये 1 महीने के लिए सेफ हो जाता है, मतलब 1 महीने तक ये ख़राब नहीं हो सकता है। तो आप इधर भी देख सकते हैं कन्वेयर वगैरह, और यहाँ से ये बाहर निकलने का भी रास्ता है, तो आप देख सकते हैं इधर से ये रास्ता ऐसे करके यहाँ से जाता है जो कि भूल भुलैया बन के यहाँ से बाहर जाएगा। और अभी इधर का रास्ता भी थोड़ा अंदर का मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं ये बॉक्स यहाँ पे आया हुआ है, ये बॉक्स यहाँ पे आया हुआ है, और ये जो कन्वेयर है ये इसको इधर से उधर लेकर के जाएगा। जैसे ये अभी धक्का मार के मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मोटर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये इधर से उधर जाएगा और आएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा सब, वही काम था हम लोगों का। तो बिल्कुल जिधर ऐसा सेम इधर जैसा है ये, बिल्कुल इधर से भी वैसा ही है। तो मैं इधर से आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ, जब मटेरियल में पूरी तरीके से रेडिएशन वेडिएशन का काम हो जाएगा, अगर अंदर प्रोसेस से बाहर निकलेगा, तो प्रोसेस से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे इसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे है। एक तरफ से यहाँ से लोडिंग होगा और यहाँ से अनलोडिंग होगा, मैं आपको आगे आगे दिखाता हूँ। तो ये लोडिंग का पॉइंट है, यहाँ से लोडिंग होगा, जो भी कन्वेयर जाएगा जो भी मटेरियल जाएगा यहाँ से इसके अंदर लोड होगा, और यहाँ से ये आगे की तरफ लेके जाएगा, फिर अंदर से फिर इधर से प्रोसेस होकर के इधर से फिर से इसी ये इसके बगल वाला दूसरे लाइन से इधर से आएगा, और इधर आने के बाद यहाँ से अनलोडिंग का पॉइंट है, यहाँ से ये अनलोड हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना प्रोसेस था ये कंपनी का। और बाकी आपको मैंगो का जूस कैसे निकलता है वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।